सुपर एल भाई तो कस्टबल में आपका होस्टन दोस्त भाई विश्वजीत। और भाई आप देख रहे हैं विश्वजीत गेमिंग यूट्यूब चैनल। भाई आपका भाई बहुत थैंक्स भाई, क्योंकि भाई हमारे 85 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। भाई मैं चाहता हूँ भाई फटाफट से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए भाई। तो भाई मैं सोच रहा हूँ 100 सब्सक्राइब जब होंगे भाई तो एक छोटा सा गिव अवे ज़रूर रखेंगे भाई। इसलिए फटाफट जाके तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आके भाई सब्सक्राइब कर दो यार। क्या कर रहे हो भाई, फटाफट जाओ भाई सब्सक्राइब कर दो यार भाई। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भाई हमेशा ऑल पे रखना भाई, ताकि आप मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और भाई इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी कर दो इस वीडियो को। और भाई इस वीडियो को शेयर भी जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना भाई, और कमेंट करना भी मत भूलना। तो आते हैं भाई आज के वीडियो के टॉपिक पर। भाई जो आज का वीडियो होने वाला है भाई, वो होने वाला है एक बहुत ही अमेजिंग, मतलब कि एक ट्रिक के ऊपर होने वाला है भाई। वैसे तो भाई वो फ्री फायर की ट्रिक है भाई। कैसे आप, आपको जो हेडशॉट है भाई, इस ट्रिक से क्या होगा, आपको भाई हेडशॉट बहुत ज़्यादा लगेंगे और आपको जो गेम प्ले वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो वीडियो बता रहा हूँ भाई, ये 3 GB या 4 GB वालों के लिए है भाई। क्योंकि अगर 6 GB तक भी हो सकता है भाई, लेकिन उससे अगर आपके पास कोई हाई लेवल का मोबाइल है भाई, मान लें कि आपके पास 20 से ऊपर का मोबाइल है भाई, 15,000 से ऊपर का मोबाइल है, जिसके यहाँ 6, 8, 12 जितनी GB, मतलब कि 6 GB से ज़्यादा की रैम है भाई, तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी भाई। क्योंकि आपका मोबाइल में पहले से ही वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन भाई जो लोग हैं भाई 6-4 GB का मोबाइल यूज़ करते हैं भाई, 3 GB करते हैं भाई, वो लोग चाहते हैं वो भी वैसा गेम ले चाहें, तो भाई उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। हालाँकि भाई सबसे पहले जो ट्रिक है भाई, सबसे पहले आपको रखना है हमेशा, अगर 4 GB वाले हो तो अल्ट्रा पे रखो भाई, हमेशा अल्ट्रा पे भाई, देख सकते हो अल्ट्रा पे। और जब यहाँ अल्ट्रा पे रखो तो भाई सोचते हो कि इन तीनों को ऑन कर लें भाई लैग मारेगा, नहीं भाई, हाई FPS पे हमेशा करो। और वेरी ब्राइट भी कर सकते, वेरी ब्राइट का आपको ऐसे ठीक लगे, लेकिन आप शेडो को भी ऑन लगा, इससे भाई पता चल जाता कि कौन सा बंदा कहाँ उतरा भाई। अगर आप एक घर में उतरे तो उसकी शेडो से पता लग जाता भाई, ये भी बहुत काम की चीज़ है। और जो तीसरी चीज़ है भाई वो है आपका, जो दूसरी चीज़ है भाई वो है आपकी सेंसिटिविटी, हमेशा 100 को रखो भाई। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी अब आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको 100 से भी ज़्यादा कैसे करना है भाई। चलो भाई बताते हैं आपको। चलो भाई आपको पहले तो क्या करना है, बैक आ जाना है भाई। बैक आ जाओगे जब आप भाई, तो आपको सीधे के सीधे यहाँ जाना है, आपकी जो सेटिंग्स है भाई वहाँ चले जाना है। तो ये देख सकते हैं मैं मेरी सेटिंग में जा रहा हूँ भाई। जब आप सेटिंग में आ जाओ भाई आपकी, तो फिर आपको वहाँ से जाना है आपकी एडिशनल सेटिंग्स में भाई। एडिशनल सेटिंग्स भाई हो सकता है लोगों के मोबाइल में कहीं कहीं और होती भाई, ये मेरा रियलमी का मोबाइल है इसलिए मैं आपको मोस्टली मुझे एडिशनल सेटिंग्स में जाना पड़ रहा भाई। आपको डेवलपर ऑप्शन भी करना है सर्च, अगर आपको ऐसे मिल नहीं रहा है भाई तो सिंपली सर्च बार पर जाके डेवलपर ऑप्शन ऑप्शन को सर्च भी कर सकते हो भाई। तो यहाँ से डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कोई पासवर्ड वासवर्ड मांगा जाए तो सिंपल सा रहेगा, आप उसको डाल के उसको इनेबल करने जाना डेवलपर ऑप्शन को भाई। और आपको सीधे नीचे जाना भाई, जब आप नीचे जाओगे भाई तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग की ऊपर भाई ये जो दिख रहा है भाई, ये देखिए भाई, ये देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ भाई, ये वाला बीच में है जो भाई एकदम देखते हो स्क्रीन के, मिनिमम विड्थ लिखा हुआ है भाई, उसके बगल में लिखा है 360 DPI भाई। और 360 DPI को आपको हटा के इसको भाई ना ज़्यादा करना है भाई, कि मैं 400 से ज़्यादा पहले से ही मोबाइल में है तो भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाई करने की। लेकिन आपके में अगर 360 है तो आप इसको भाई 400 पे सेट कर सकते हो, लेकिन 400 से ऊपर का सेट कर सकते हो भाई, तो आप कर सकते हो उसको। मैं आपको जो रिकमेंडेशन करूँगा भाई, आप इसको 430 कीजिए भाई, 400 से 500 के बीच में रखे भाई, इससे सेंसिटिविटी एकदम बैलेंस होती है भाई, मैंने जितना देखा है भाई। तो भाई देख सकते हो भाई अभी हो चुकी भाई, अक्सर दिख रहा होगा आपको कि एकदम से फ़ोन ही बदल गया होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं, इससे भाई आपका फ़ोन और भी अच्छा दिखने लगता है मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है भाई, तो चलो अपन फिर भाई बैक चले आते हैं भाई। और आप सोच रहे हो भाई कि सेंसिटिविटी में वहाँ पे 200-300 लिखा है, तो भाई भाई आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं भाई। तो यही सारी चीज़ें थी भाई, अगर आप ऐसे आप करोगे तो भाई आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो आपकी DPI है भाई तो वो थोड़ी चेंज हो जाएगी भाई, और आपका मोबाइल भी थोड़ा अलग ही दिखने लगे, जैसे देख सकते एकदम छोटे दिखने लगे, कुछ हो जाएगा भाई मोबाइल, लेकिन भाई कुछ नहीं होगा, कुछ फंक्शन में कोई ख़राबी नहीं भाई, लेकिन आपका फ़ोन और अच्छा हो जाएगा, सही टच बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से, और इससे हेडशॉट बहुत जल्दी, जो आपका एम है
वो भाई जब भी आप कर दे तो आपका फंस जाता है, लेकिन वो फंसेगा नहीं, ये है भाई आपको। लेकिन इसका ऐसा नहीं क्या एकदम से हेडशॉट ही मारने लगोगे, ये नहीं होगा भाई, आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी भाई। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है भाई प्लीज़ लाइक कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई। यार भाई इतनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, भाई सोच सकते हो भाई, इस वीडियो बनाने से पहले भाई मुझे कम से कम 2 घंटे भाई सिर्फ DP चेक करने में देखने पड़े भाई। और YouTube पर मैंने वीडियोस देखी अलग अलग भाई, सब कुछ अलग अलग था भाई, लेकिन मैंने आपके लिए सब कुछ बेस्ट दिया भाई। इस वीडियो में सब कुछ बेस्ट बताया जाता है, इस चैनल पर भी सब कुछ बेस्ट ही बताया जाता है भाई, इसलिए इस चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब।